हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका मिश्रा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड से क्लास सेवेंथ का सब्जेक्ट सोशल साइंस जिसका चैप्टर नंबर टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस ऑफ द अर्थ देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मेनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर नेम देम तो हमारे अर्थ में कितने शेल्स होते हैं उनके हमें नाम बताना है तो आंसर देखते हैं देयर आर थ्री शेल्स ऑफ दी अर्थ थ्री शेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं फर्स्ट है लिथोस्फेयर साइल सेकेंड है मेंटल साइमा और थर्ड है कोर नाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन दी अर्थ तो हमारे अर्थ में किस टाइप की रॉक्स फाउंड है टाइप की रॉक्स होती हैं उन्हें बार, उनके बारे में बताना है तो आंसर देखते हैं बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन दी अर्थ तो थ्री टाइप्स की रॉक्स हमारे अर्थ पे फाउंड है कौन कौन सी हैं फर्स्ट है इग्निशियस रॉक्स सेकेंड है सेडिमेट्री रॉक्स और फोर्थ है मेटामोफिक रॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट डाउन अबाउट द मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ हमें मेंटल पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में बताना है इसमें तो आंसर देख लेते हैं बिलो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेंटल जो अर्थ की अपर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं मेंटल कहते हैं इट इज 2900 किलोमीटर डीप इट इज ऑल्सो कोल्ड साइमा इसे और भी क्या कहते हैं साइमा भी कहते हैं बिकॉज दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ये किससे बना होता है सिलिकॉन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखते हैं बाय विच नेम द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड वट आर द कंपोनेंट ऑफ दिस पार्ट तो इनर पोस्ट अर्थ का जो है इनर पोस्ट के पोस्ट का नाम बताना है और इसके कम्ने कम्पोनेंट के बारे में भी बताना है तो देखते हैं आंसर द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर क्या कहा जाता है उसे कोर कहा जाता है द कोर नॉन एस नाइफ मेनली किससे बना होता है टू एलिमेंट से बना होता है निकल एंड फेरियस मतलब निकल एन आई और फेरियस एफ ई से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ कैन वी अवॉइड सॉइल इरोजन हम सॉइल इरोजन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़ ट्री लगा लगाकर सेकेंड है बाय अडॉप्टिंग बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब एग्रीकल्चर को और अच्छा डेवलप करके और नेक्स्ट है बाय चेकिंग ओवर ग्रेजिंग के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी सिक्सटी वर्ड्स में देने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो वॉट आर इग्निशियस रॉक्स इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर इन दीज रॉक्स किस टाइप कितने टाइप होते हैं इसमें राइट अबाउट द किसके बारे में लिखना है इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में लिखना है तो देखते हैं आंसर दीज रॉक्स आर फाउंड आउट ऑफ द कूलिंग ऑफ द हॉट एंड लिक्विड मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इग्निशियस रॉक्स कैसे बनता है हॉट एंड जो हॉट और लिक्विड जो होता है उसके ठंडे होने पर बनता है तो जो हॉट लिक्विड होता है उसको क्या कहा जाता है मैग्मा कहा जाता है दिस रॉक्स आर ऑल ऑफ़ टू टाइप्स कितने टाइप्स के, के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं इंक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स और सेकेंड है एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स तो अभी हमें किसके बारे में बना बताना है इंक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स के बारे में बताना है तो ये कैसे होता है रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मैगमा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉल्ड एस इंक्लूसिव इग्निशियस रॉक जो मैगमा के ठंडे होने पर जो पदार पदा, मतलब आ, आ, पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं इंक्लूसिव इंग्निशियस रॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट आर द दैडिमेटरी रॉक्स हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ दीस रॉक्स तो हमें सेडिमेट्री रॉक्स के बारे में बताना है और ये कितने टाइप्स के होते हैं तो आंसर देखते हैं दीस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ द लेयर ऑफ द मैटर ब्रॉड बाय एजेंट ऑफ डेन्यूडेशंस लाइक वाटर एयर एंड रिवर द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशंस कंटिन्यूस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तो ये रॉक्स कैसे बनते हैं सेडिमेट्री रॉक्स सेडिमेट्री रॉक्स जो होते हैं जो वाटर एयर और रिवर होते हैं इन कि जो आ, इनकी जो आ, एलिमेंट्स होते हैं जब वो ठोस हो जाती है तब क्या बन जाता है सेडिमेट्री रॉक्स से होता बनता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है मतलब लाखों वर्ष लगते हैं तो टाइप्स ऑफ सेडिमेट्री रॉक्स क्या है सैंडस्टोन लाइम स्टोन शेल स्लेट और पीट इसके एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट अबाउट द मेटामोफिक रॉक्स गिव स्पेसिक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक्स तो हमें किसके बारे में बताना है और एग्जाम्पल देना है मेटामोफिक रॉक्स के बारे में तो so, आंसर देखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ बोथ इग्निशियस रॉक्स एंड अटिमेट्री रॉक्स अंडर गो अ चेंज इन दियर फॉर्म स्ट्रक्चर एंड हार्डनेस एंड अदर ट्रेंड्स सच ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स आर कोल्ड मेटामोफिक रॉक्स तो मेटामोफिक रॉक्स क्या होता है मेटामोफिक रॉक्स होता है इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेटरी रॉक्स जब दोनों इन दोनों पर जो है एटमोसफियर का प्रेशर या टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है मतलब इनकी रचना में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं मेटामोफिक रॉक्स कहते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे मार्बल स्लेट और कोल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट काइंड ऑफ मटेरियल सॉरी वॉट काइंड ऑफ मिनरल्स इन माइका फॉर वॉट पर्पज इट इज़ यूज तो हमें बताना है कि माइका किस ट तरीके का मिनरल होता है और किस लिए इसका यूज़ होता है तो माइका किस माइका क्या होता है माइका इज़ अ नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है इट इज़ यूज इज मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक गुड्स मतलब इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए यूज़ होता है पेंट्स रडार्स रबर्स पेपर्स एरोप्लेन्स एंड ट्रांसपेरेंट शीट के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मिनरल इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हमें लिक्विड गोल्ड के बारे में बताना है इसे किस को किस मिनरल्स को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है तो आंसर देखते हैं आंसर है पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड किसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूज ऑफ यूज इट लार्ज स्केल एंड इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसका उपयोग जो होता है यूज होता है वो लार्ज स्तर पे होता है तो इट इज़ मेड आउट ऑफ द वेजिटेशंस एंड एनिमल्स ट्रेबड बिटवीन लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स तो जो इसका कैसे बनता है ये जो एनिमल्स और जो हमारे ट्रीज होते हैं उनसे ये बन उनकी लेयर से ये बनता है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल ऑन द अर्थ हमें सॉइल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है तो आंसर क्या होगा आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट लैंड तो जो होता है वो हमारे लैंड रिसोर्सेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फर्टाइल सॉइल ऑलवेज बीन मोर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन फर्टाइल सॉइल क्या होता है ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट मेड बाई इट इट इज बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल दैट इंडिया हैज़ बिन एबल टू प्रोड्यूस फूड फॉर इट्स ह्यूज पॉपुलेशन तो जो है जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर होता है वो बहुत अच्छी स्तर पर होता है इसलिए हमें आ, हमें जो है सॉइल जो सॉइल का इम्पोर्टेंस ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फूड नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएँगे तो यहाँ पर इतने इसके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो एंड होते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स टेक केयर